है। आज उन्होंने हिजाब पहन के आए हैं इसलिए आपको एजुकेशन नहीं है, कल उन्होंने बोलेंगे आप दलित है, आप मुस्लिम है, आप महिला है, इसलिए आपको एजुकेशन हम नहीं देंगे, ये गलत है बात। आर एंड एस यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुर एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद जैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। कि कोर्ट क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्युलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारा एजुकेशन है, और ड्रेसिंग हमारी इच्छा की बात है। कौन होते हैं ये पहनो वो मत पहनो बोलने वाले के लिए, बोलने के लिए, ये हम कड़ी इसका विरोध करते हैं। और जो वो प्रांशुपाल आज क्या कल हमने देखे कि दरवाजा बंद करे, और एक सीनरी आ गया कि वो लोग भी वो क्या की पहन के आए, उनके लिए भी दरवाजा, ये ड्रामा सब बंद करो। उनका इंटेंशन यही है कि करावली प्रदेश का नारायण गुरु का जो स्टैचू दिल्ली में परेड में उनका स्तब्ध चित्र परेड होना था, केरला गवर्नमेंट वहाँ भेजे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका इनकार करे, नकार करे, उसमें करावली प्रदेश में उड़पी मंगलूर उस प्रदेश में है ना, कि ओबीसी लोग जो नारायण गुरु का फॉलोअर्स है, ओबीसी लोग ये बीजेपी का खिलाफ हो रहे थे, ये उनको क्या है इसका लोगों को डाइवर्ट करना उनका इरादा था। वो डाइवर्ट करने के लिए दोनों कम्युनिटी का, दोनों कम्युनल लोग मिलकर इशू बढ़ा रहे हैं, इशू बढ़ा रहे हैं। तो हमने ये कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इसीलिए हम गवर्नमेंट को कहते हैं प्राइवेट नहीं होना एजुकेशन, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन मत करो। अगर प्राइवेटाइजेशन करे जो कम्युनल का रहता, कम्युनिटी का रहता, उनका हमारे सर के ऊपर थोपते हैं, कोई भी हो थोपते, तो गवर्नमेंट एजुकेशन जिम्मेदारी पूरा लेना, एक बात। दूसरा बात, गवर्नमेंट में हमारे खाने का, हमारे कपड़े का बात वहाँ नहीं करना। हिंदू है या मुस्लिम, क्रिश्चियन है या वो है, ये है नहीं, हम सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, वहाँ एजुकेशन की ज़रूरत है। इसका बात लेकर अगर कम्युनल का बात आगे करते तो ये गलत है, हम इसका कड़ी विरोध करते हैं। बोले उनके धर्म संसद में क्या हुआ, खुलेआम बोले कि इतना लाख मुस्लिम लोगों को हत्या करो और यहाँ हम सम्मान करते, कोई मोदी उनको ऊपर केस डाले क्या, कुछ नहीं। जो इस देश में खुराक की बात लेकर, खुराक का मतलब खाने की बात लेकर, खाने की बात लेकर, कपड़ों की बात लेकर, ये जो आइडेंटिटी का नाम हो रही है ना, प्रधानमंत्री एक बात कहे हैं पहचानो कपड़ों से, उस बात के पीछे का क्या था, द्वेष संस्कृति फैलाने का बात था, सभी के दिल में द्वेष फैलाना। हमारे देश में ये जो कपड़े हैं ना, अलग अलग कम्युनिटी का, अलग अलग प्रदेश का, अलग अलग हमारे क्या है पोशाक है, हम वो पहनते हैं। ये मत पहनो, वो पहनो, ये मत पहनो कहने का किसी को अधिकार नहीं है, नहीं है। कई लोग साड़ी पहनते, कई लोग चूड़ीदार पहनते, कई लोग हिजाब पहनते, कई लोग कुछ पहनते, मगर बात ये है सभी को एजुकेशन दे दो। हमारे खाने की बात, हमारे पोशाक की बात, हमारे कपड़ों की बात मत करो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा मैडम, और देखो इसके पीछे दोनों कम्युनल्स का हाथ है, दोनों कम्युनल का, ये जो केसरीकरण वो जो शाल पहन के आने का और हिजाब को सामने करने का, और हिजाब की बात इन्होंने बढ़ा करके लोगों के सामने रखने का, दोनों कम्युनल का ये बात है ना, इसके बीच हमारे महिलाओं को है ना सता रहे हैं, हमारे महिलाओं से यही बात कह रही हूँ ना, ये गवर्नमेंट का तो ये साजिश है कि एजुकेशन आपको सेकुलर रूप से देना उनका इरादा नहीं है। उन्हों हमसे एजुकेशन खींचना चाहते हैं, एजुकेशन के बाहर हमको रखना चाहते हैं। मुसलमान लोग, लाखों लोग शहीद हो गए हैं, मगर इतिहास में उनका नाम मिटा रहे हैं, लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं, और लोग वो समझने में भी ये डिजिटल इंडिया में हमारे यूथ्स भी है ना भड़काव हो रहे हैं, मतलब वो समझने के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं, लेफ्ट पार्टी चाहते हैं, CPIM चाहते हैं, इस देश के लड़ाई में RSS के एक भी लोग नहीं लड़े हैं, ये हमारा चैलेंज है। अगर वो नहीं लड़े हैं तो आओ सामने बताओ किसी का एक का नाम, तो आप किसका नाम ले रहे हैं, हमारे भगत सिंह का नाम ले रहे हैं,
आप किसका नाम ले रहे हैं? हमारे विवेकानंद का नाम ले रहे हैं, आप हमारे लोगों का सहारा ले रहे हैं, मगर ये गलत है। एक भी नहीं लड़े हैं। इसके साथ साथ इस देश में मुसलमान लोग, इस देश की आज़ादी के लिए लाखों लोग लड़े हैं, कितना नाम है हमारे लोग समझना बहुत जरूरी है। महिला लड़े है, दलित लड़े है, बहुत सारे लोग लड़े है, उनका नाम लोग भूल रहे हैं, भूलने में मजबूर कर रहे हैं इस सत्य के ऊपर बैठे सो जो बीजेपी पार्टी है। इसीलिए आज हमने इस तारीख से कि लोगों को विनंती कर रहे हैं कि टिप्पू सुल्तान, मैं मेरा बात करते समय मैंने बोली हूँ, टिप्पू सुल्तान कभी इस दुनिया नहीं भूल सकते। वो जितना भी कोशिश करे, बीजेपी या आरएसएस जितना भी उनके खिलाफ बात करे, मगर टिप्पू सुल्तान उनके दो औलाद को कि ब्रिटिशों के हवाले करके इस देश के लिए कैसा लड़े हैं सभी को मालूम है। बिकॉज ऑफ टिप्पू सुल्तान कि मैसूर प्रदेश में टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक और कितना कितना डेवलपमेंट हुआ है, वो बहुत बड़ा स्टडी है। मगर हम बात इतने में ही नहीं रुकना चाहिए, उनके जो खानदान है, उनके जो खून के रिश्तेदार है, उनके जो पटपोत्री है, नूर इनायत के बात किसको मालूम है? ये सभी इतिहास लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। ये सेकुलर की बात है, ये बहुसांस्कृतिक परंपरा की बात है, ये सच्ची आज़ादी की लड़ाई की बात है। हम मिलजुल के रह के इस देश को बचाए हैं, मगर ये जो कम्युनल लोग हैं, ये हिस्ट्री को उन्होंने मिटाना चाहते हैं। हम इसको कभी अवकाश नहीं देते हैं। हम सब लोग आवाज़ उठाकर इस बात को हम बुलंद करना चाहते हैं। यूथ्स को हम रिक्वेस्ट करते, सच्चे इतिहास पढ़ो, हम मिलके इस देश को